हाँ जी, सभी साथियों को राम राम, नमस्ते, हाय हेलो, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप अपने परिवार के साथ सेफ होंगे। दोस्तों, हरियाणा CET 5-6-7 नवंबर को होने वाला है, ऐसा मुख्यमंत्री साहब ने कहा है। इसके लिए 11.35 लाख लोगों ने सक्सेसफुली आवेदन कर रखा है। साथ ही 40,000 ऐसे युवा भी हैं जिनका भविष्य दांव पर लगा हुआ है। क्या है मामला और क्या इसका समाधान हो सकता है, यदि आप जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सही समय पर सही अपडेट मिलती रहे। अब आप अपनी वेबसाइट से कोई भी बुक मंगा सकते हैं घर बैठे। और दोस्तों, आज रक्षाबंधन है तो मैंने 11 और 12 तारीख को स्पेशल डिस्काउंट दे रखा है आपको। R_50 इस कोड को यूज़ करना है आपको। 999 वाला कोर्स 499 रुपये मिल जाएगा। सेम यही चीज़ आपकी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ में भी लागू है, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, अब बात कर लेते हैं कैसे 40,000 युवाओं का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए आवेदन करने वाले 40,000 युवाओं का भविष्य दांव पर। फीस उन्होंने भर दी है, बैंक से कट चुकी है, लेकिन CET की ऑफिशियल वेबसाइट ने इसको कन्फर्म नहीं किया। और दोस्तों, इस समस्या तो थी CET वेबसाइट की, लेकिन भुगतेंगे कौन? अब भुगतेंगे ये, कौन भुगतेंगे? ये 40,000 युवा भुगतेंगे जिनकी फ़ीस कन्फर्म नहीं हुई, जिनके अकाउंट से पैसे कट गए लेकिन CET की ऑफिशियल वेबसाइट पे फ़ीस कन्फर्म नहीं हुई। तो यहाँ पर आप पूरी चीज़ें देख पा रहे होंगे। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन के अनुसार, जिन युवाओं ने CET के लिए आवेदन किया था उनमें बड़ी संख्या में ऐसे युवा हैं जिनकी फ़ीस जमा नहीं हो पाई। कई ऐसे हैं जिनकी फ़ीस तकनीकी दिक्कत के कारण जमा नहीं हुई या वापस उनके खातों में चली गई। बैंक के स्तर पर किसी तरह की दिक्कत भी हो सकती है, इसका पता लगाया जा रहा है। इसके लिए कोई न कोई निर्णय जल्द लिया जाएगा, ताकि युवा टेस्ट देश के, वे इस संदर्भ में सरकार को भी लिख चुके हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, HSSC के चेयरमैन साहब ने रिक्वेस्ट कर रखी है सरकार से कि एक बार फिर से इनको फीस कन्फर्म करने का मौका दे दिया जाए, फीस भरने का मौका दे दिया जाए। दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों, जो भर्ती होने वाली है वो 50,000 के आसपास होगी इलेक्शन तक, CET के बेस पे, है ना। तो अब ये 40,000 युवा तो परेशान हो रखे हैं। सबसे पहले तो सरकार ने इनका ध्यान देना चाहिए, उसके बाद CET की वजह से, इस प्रोसेस की वजह से जिन्होंने अप्लाई कर रखा है लगभग 11.5 लाख लोगों ने, इनमें से 10 लाख युवा एक विषय से और परेशान हैं, वो है CET क्वालिफाई का मुद्दा। किसका? CET क्वालिफाई का मुद्दा। CET क्वालिफाई नेचर कर देगी सरकार तो ये 10 लाख युवा है ना, ये भी थोड़ा सा मतलब कंफर्ट फील कर पाएंगे। अभी लगभग हर बच्चा परेशान है कि यदि CET क्वालिफाई नहीं हुआ तो उनके साथ क्या होगा। यदि CET क्वालिफाई नहीं होता तो बार बार सेम बच्चा ही 50,000 भर्तियों में घूमता रहेगा, यानी कि 15,000 बच्चे ही क्या करते रहेंगे, ग्राम सचिव में भी लगते रहेंगे, क्लर्क में भी लगते रहेंगे, पटवारी में भी लगते रहेंगे, पुलिस में भी लगते रहेंगे, सभी में लगते रहेंगे, ठीक है। इसके साथ ही जो NTA ने और CID ने अपना काम शुरू कर दिया है, 2,000 एग्ज़ाम सेंटर की जांच की जाएगी, फिजिकल वेरिफिकेशन की जाएगी, ठीक है भाई, सेंटर किस लोकेशन पे है, किस तरीके से है, आना जाना मुश्किल तो नहीं है, सारी की सारी चीज़ों के लिए क्या है, प्रोसेस शुरू हो गया है। और दोस्तों, अब आपका एग्ज़ाम 5-6-7 नवंबर को 100% होने के चांसेस है। 100 तो नहीं कहूँगा, 99% कहूँगा, क्योंकि सरकार ऐसी है भाई, एग्ज़ाम जिस दिन हो उस दिन भी कैंसिल कर देती है। यहाँ पे 99% हम लेके चल रहे हैं। और पूरा का पूरा मामला आपको पता ही है भाई, अग्नि परीक्षा से कम नहीं है CET सरकार के लिए, क्योंकि बेरोजगारी इतनी बड़ी हुई है और कोई बढ़िया भर्ती हुई नहीं है सरकार में। तो विपक्ष वो बार बार धावा बोल रहा है इनके ऊपर, ठीक है। तो आपकी जो भी राय आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी सरकार प्रयास कर रही है इन 40,000 युवाओं का कुछ समाधान निकल जाए, सरकार नहीं HSSC प्रयास कर रही है। अब सरकार के ऊपर डिपेंड करता है वो किस तरीके से इस चीज़ को देखता है। धन्यवाद, भगवान के आप सभी का समय शुभ रहे।